मंडी पुलिस ने एक जीप से 80 पेटी अवैध शराब की बरामद की है। पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि जीप चालक मौके से फरार हो गया, जिसे पुलिस तलाश कर रही है। मामले की पुष्टि सदर थाना प्रभारी सुनील कुमार ने की। सदर थाना पुलिस ने तलहाड़ के समीप एक जीप से 80 पेटी बिना परमिट की शराब बरामद की है। मामले में पुलिस ने हिमाचल प्रदेश एक्साइज एक्ट की धारा 39 के तहत केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार गत सदर थाना मंडी की पुलिस टीम तिहाड़ क्षेत्र में गश्त पर थी। इस दौरान एक जीप को तलाशी के लिए रोका गया। तलाशी के दौरान 80 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई। ये कार्रवाई पुलिस ने एक व्यक्ति ज्ञानचंद की शिकायत पर की थी। तलाशी के दौरान चालक मौके से फरार हो गया, जबकि एक अन्य व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मामले की पुष्टि सदर थाना प्रभारी सुनील कुमार ने करते हुए कहा कि पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पिछले कल रात्रि के समय सदर पुलिस की एक टीम एएसआई रमेश जी के नेतृत्व में नाके पे थी। इस दौरान तलियाड़ के पास एक इन्फॉर्मेशन मिली। ज्ञानचंद नाम एक व्यक्ति ने एक इन्फॉर्मेशन दी कि एक पिकअप गाड़ी को उन्होंने रोका है और उसमें काफी भारी मात्रा में शराब है, जिसको जब चेक किया गया तो उसके अंदर 80 पेटियां इंग्लिश वाइन जो है वो बरामद हुई है। उसमें से 30 पेटियां ऑफिसर चॉइस, 30 पेटियां मैकडावल और 20 पेटियां जो है वो फील्ड लेवल की बरामद हुई है। मौका से ड्राइवर जो है वो भागने में सफल रहा था, जो अभी तक पकड़ में नहीं आया है। उसके साथ एक व्यक्ति और था जो कंडक्टर के रूप में उस गाड़ी में मौजूद था, जिसे पुलिस ने मौका पे पकड़ लिया था। उससे पूछताछ जारी है। ये शराब की काफी बड़ी खेप बिना परमिट के कहां से आ रही थी, कहां जा रही थी, इसके बारे में अभी तफ्तीश जारी है।